सिन्नर के गोंडे टोल प्लाजा पर रोके जाने पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का कहना है, मैं शिरडी घूमने आया था, मेरी गाड़ी पर फास्टैग लगा था लेकिन मुझे टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। जब मैंने रोकने का कारण पूछा तो टोल प्लाजा के कर्मचारी मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। मैंने इस बारे में मैनेजर से बात की तो उसने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सिन्नर टोल नाके पर तोड़फोड़ की है। राज ठाकरे के बेटे और मनसे नेता अमित ठाकरे को आधे घंटे तक टोल नाके पर रोके जाने से गुस्से में आए पार्टी पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ की, वारदात को अंजाम दिया। इस तोड़फोड़ में पूरा समृद्धि टोल नाका क्षतिग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई की शाम को अमित ठाकरे अहमदनगर से सिन्नर की तरफ जा रहे थे। सिन्नर के गोंडे टोल प्लाजा पर रोके जाने पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे का कहना है, मैं शिरडी घूमने आया था, मेरी गाड़ी पर फास्टैग लगा था लेकिन मुझे टोल प्लाजा पर रोक दिया गया। जब मैंने रोकने का कारण पूछा तो टोल प्लाजा के कर्मचारी मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगे। मैंने इस बारे में मैनेजर से बात की तो उसने भी मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने सिन्नर टोल नाके पर तोड़फोड़ की है। राज ठाकरे के बेटे और मनसे नेता अमित ठाकरे को आधे घंटे तक टोल नाके पर रोके जाने से गुस्से में आए पार्टी पदाधिकारियों ने तोड़फोड़ की, वारदात को अंजाम दिया। इस तोड़फोड़ में पूरा समृद्धि टोल नाका क्षतिग्रस्त हुआ। बताया जा रहा है कि 22 जुलाई की शाम को अमित ठाकरे अहमदनगर से सिन्नर की तरफ जा रहे थे।